रिसेंटली मैंने ये टाटा पावर लिया है 208 पे 100 शेयर्स। और ये तो कब लिया है, मैं कितना समय हो गया लिए हुए, लास्ट 1 मंथ हो रहा है सर। और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कि कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का मन था सीमा जी? नहीं सर, मेरा इसमें लॉन्ग टर्म जाने का मन। लॉन्ग टर्म के लिए टाटा पावर 208 की खरीद, 208 पे चल रहा है, 1 महीना हो चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू है। शर्मिला क्या करना चाहिए टाटा पावर में 2020 2021 बहुत सालों बाद बढ़िया रीरेटिंग, उसके बाद 2022 ऑनवर्ड्स मोटा मोटी कह लीजिए वो कंसोलिडेशन के दौर में चला गया एक अच्छी रीरेटिंग के बाद। ऑफ लेट तो खैर वीकनेस है, क्या करना चाहिए टाटा पावर में, क्योंकि अलग अलग धंधे देखूं ईपीसी का, डिस्ट्रीब्यूशन का, रिन्यूएबल का, उनके मूल्यांकन को जोड़ू तो अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन स्टॉक थक रहा है, क्या करना है? लॉन्ग टर्म के लिए सही चुना है क्या सीमा जी ने? आई थिंक सो, आई थिंक उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक तो जो वजह आपने कही कि उनके जो अलग अलग वर्टिकल्स है उनमें अच्छा उनका प्रदर्शन है, उसके साथ साथ यू नो हम लोग काफी ईवी और ईवी बैटरीज की बात सुनते हैं, तो उनमें उसमें भी उनका जाने का सोच है, तो वो भी एक आपके लिए यू नो इफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो वो भी आपको देखना चाहिए कि किस तरह से प्लानिंग कंपनी कर रही है। और उसके साथ साथ आई थिंक द इमीडिएट पॉजिटिव जो नजर आ रही है वो ये है कि जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि गर्मी इतनी है कि ये एक्सपेक्टेशन है कि पावर की डिमांड ऊपर जाएगी, और पावर की डिमांड अगर ऊपर जाएगी तो बेनिफिशियरीज पावर कंपनीज रहेगी, और जो लिस्टेड पावर कंपनीज है उनमें अगर एक ऐसी कंपनी है जिसका बैलेंस शीट भी आपको अच्छा लगता है, जिसके अर्निंग्स भी ऑन ट्रैक है, तो वो टाटा पावर है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप बने रहिए। बने रहिए, सही स्टॉक चुना है लंबी अवधि के लिए आज से। अभी तो 1 महीने का समय हुआ है, पेशेंटली बैठिए, लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा। निशा मैम।